एवरीवन, तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एडुविला पॉइंट पर। तो हम कर रहे थे क्लास टेंथ आपका चैप्टर नंबर 9, ये क्लास टेंथ है आपकी। क्लास टेंथ है आपकी, चैप्टर नंबर 9 कर रहे थे इवोल्यूशन वाला। तो पार्ट 1 हमारा अपलोड हो चुका है, ये आप हमारा पार्ट 2 है। देखिए इसके अंदर क्या है, हम और पढ़ेंगे कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन के बारे में और ज्यादा पढ़ेंगे। देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बेस्ड ऑन दीज प्रिंसिपल, ये जो प्रिंसिपल हम ऊपर पढ़ के आए हैं, वी कैन वर्क आउट द रिवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ऑफ द स्पीशीज, वी कैन अराउंड सी अराउंड अस, इट इज अ सॉर्ट ऑफ गोइंग बैकवर्ड ऑन द टाइम, एंड वी कैन डू दिस बाय आइडेंटिफाइंग हायरार्कीज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द स्पीशीज। देखिए एक हायरार्की हैगी, ठीक है, कि कोई भी काम होगा वो इसी तरीके से होगा, इसी सीढ़ियों से गुजर के होगा। तो ये क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसे हमें समझने की जरूरत है। इसे ही बोलते हैं हम क्लासिफिकेशन, जो कि हम 9th क्लास से भी करके आए हैं। अगर आपने डाइवर्सिटी चैप्टर पढ़ा हो, डाइवर्सिटी कक्षा 9 का, क्लास 9th का आपका चैप्टर नंबर 7th जो है, वो है, बिल्कुल आपका क्लासिफिकेशन ही होता है ना, जैसे ऑर्गेनिजम्स का, वो उसी की झलक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन की झलक है, इवोल्यूशन की झलक है, कि पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ था, फिर कौन से जानवर आए थे, तो इस तरीके से, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है, व्हाट इज मेंट बाय कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कि ये डिटेल देता है अपियरेंस और बिहेवियर के बारे में। ये क्या करता है, डिटेल देता है अपियरेंस और बिहेवियर के बारे में। और दूसरे शब्द में अगर हम कहें तो ये बताता है कि कौन क्या पर्टिकुलर फंक्शन कर रहा है, कौन क्या पर्टिकुलर काम कर रहा है। दैट वी हैव फोर लिम, अगर हमारे पास चार हाथ है, या चार मतलब दो हाथ है दो पैर है, तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक है, क्या काम करेंगे वो। भाई दो हाथ है हमारे, हमारे खाना खाने के काम करने के काम आएंगे, पैर हमारे चलने के काम आएंगे, तो ये क्या हो गया, इसका कैरेक्टर हो गया, राइट। पौधा है, पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है, वो उसकी कैरेक्टर है, क्या, क्योंकि वो उसको खाना बनाने में मदद कर रहा है, ठीक है। अगर कुछ और कैरेक्टर देखें हम इसके, तो देखो जो सेल है वो हमारा बेसिक यूनिट है लाइफ का। ये देखिए नेक्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन वुड बी शेयर्ड बाय द मोस्ट, एंड जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया सेल डू नॉट बट द सेल ऑफ मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म डू। ये जो होता है, जैसे कि बैक्टीरिया सेल है, उनकी इनकी जो सेल डिजाइन होता है वो तो सेम होता है, लेकिन जो एक्चुअल में प्रॉपरली जो फंक्शनिंग होती है वो डिफरेंट हो जाती है। जो आप, अगर आपको याद है तो प्रो कैरियोटिक और यू कैरियोटिक, अगर आपको ऑर्गेनिज्म याद है तो, ठीक है। दिस प्रॉपर्टी मार्क अ वेरी बेसिक डिफरेंस इन बॉडी डिजाइन। ये पूरे से हमें ये समझ आता है कि बॉडी डिजाइन में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो रहा है, बट एक्चुअल चीज वही है, ठीक है। बेसिक ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ द सेल टाइप एंड टिश्यू, भाई सेल से बॉडी बनी है, सेल से पहले भी बनती हुई आ रही है, लेकिन चीज क्या है कि हायरार्की है, और उसी की वजह से क्या हो रहा है, हमारे अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। जैसे मल्टी, पहले सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था, अभी मल्टी सेलुलर आ गया है। तो देखो इसी में यही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, जैसे कि अमोंग द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट कांट डू फोटोसिंथेसिस, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हम लोग हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वेदर द स्केलेटन इज इनसाइड द बॉडी और अराउंड द बॉडी विल मार्क अनदर फंडामेंटल डिजाइन डिफरेंस, ठीक है। हायरार्की इज डेवलपिंग दैट अलाउ अस टू मेक क्लासिफिकेशन ग्रुप, ठीक है, क्लासिफिक ग्रुप को क्लासिफाई करने में काम आता है ये, ठीक है। जैसे कि ये देखिए आपका ये फ्रॉग का हाथ है, ये लिजार्ड का है, ये आपको बर्ड का है, और ये ऐसे ही ऐसे कुछ ह्यूमन का आ रहा है। अधिक बात को समझने ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो बेसिक डिजाइन, बेसिक बॉडी डिजाइन है वो आपका सेम ही है, क्या है, सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि ये थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है, और यहाँ एक एंगल बन रहा है, तो वो चीजें चेंजेस हो रही है, बट जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो आपका वही से ही है, सेम ही है, ठीक है। तो ये यहाँ से क्लियर होता है कि हम कहीं ना कहीं जानवर से आ रहे हैं, मतलब जो जानवर की बॉडी थी उसी से हम बनते हुए आ रहे हैं, या हम उनके बहुत क्लोजली रिलेटेड हैं, आप ये कह सकते हैं। अब ब्रदर एंड सिस्टर आर क्लोजली रिलेटेड, भाई बहन जो होते हैं वो बहुत क्लोजली रिलेटेड होते हैं, क्योंकि उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके कॉमन एंसेस्टर होते हैं, उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं, एंड उनके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, तो उनके और उनके पेरेंट्स, तो उनके अंदर क्या है, कॉन्टिन्यूएशन में वो चलती हुई आ रही है चीज,
तो इसी को ही हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्पीशीज एंड रिफ्लेक्शन ऑफ देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. ये आपका रिलेशनशिप है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट है, ये आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट है, ये आपके ग्रैंड पेरेंट है, ये आपके पेरेंट है, देन आप आते हो. तो ये चार जनरेशन का जो डीएनए है वो कॉन्टिन्यूएशन में आ रहा है, जिसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन होके फिर आप बन रहे हो, और हर एक जनरेशन के बाद चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू वेरिएशन. अभी अगर हम इसको ट्रेस करें, अगर हम ये इवोल्यूशन देखें कि भाई कैसे हुआ है इन रिलेशनशिप में, तो वो देखते हैं. देखिए, दीज कैरेक्टरिस्टिक इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वुड बी सिमिलर बिकॉज दीज आर इनहेरिटेड इन अ कॉमन फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर्स. देखिए, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आज मतलब लेट्स से कि हमारे हमने जो भी इनहेरिट किया है वो हमने हमारे कॉमन एंसेस्टर से किया है. ये कहने की बात हो रही है यहाँ पे इस एग्जाम्पल को देने से कि जो ये बर्ड है ना, देखिए इसके हाथ बिल्कुल हमारे जैसे ही हैं, या ये कह सकते हैं जो हमारे हाथ हैं वो बर्ड के हाथ जैसे ही हैं, थोड़ा सा उसमें चेंजेस हुआ है, थोड़ा सा इवोल्यूशन हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा अलग है, बाकी जो बेसिक बॉडी डिजाइन है वो वही है. तो ये कहने की कोशिश कर रहा है चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, उनके दोनों के कॉमन एंसेस्टर थे. क्या थे? कॉमन एंसेस्टर थे, राइट? मतलब हम दोनों के, हम बी एंड जो एनिमल है उनके कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं. तब जाके कहीं किसी टाइम पे कुछ डीएनए के अंदर मॉडिफिकेशन हुआ और दो नए जातियों का निर्माण हुआ, दो नए स्पीशीज बन गए. तो इस तरीके से हम इस चीज को देखते हैं. सिमिलरली सिमिलैरिटी सिंपली इन ऑर्गन शेप आर नॉट नेसेसरली बिकॉज ऑफ द कॉमन एंसेस्ट्री एंड वी वुड बी हैव अबाउट द विंग्स ऑफ बर्ड एंड बैट. अगर हम इसकी बर्ड की बात करें, एग्जाम्पल, बर्ड एंड बैट हैव विंग्स बट स्क्वायरल एंड लिजार्ड डू नॉट हैव. देखिए, जो बर्ड है और बैट है उसके पंख है, लेकिन जो स्क्वायरल है और आपका लिजार्ड है उसके पंख नहीं है. सो आर द बर्ड्स एंड बैट मोर क्लोजली रिलेटेड? तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, क्या वो दोनों आपस में रिलेटेड है? बिफोर वी जम्प टू दिस कंक्लूजन, हमें ये देखना है कि जो विंग्स ऑफ बर्ड है एंड बैट्स मोर क्लोजली रिलेटेड है, कि जो बर्ड के विंग है और बैट के विंग है वो क्या आपस में जुड़े हुए हैं, क्या उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है? देखिए, वी फाउंड दैट द विंग्स ऑफ बैट आर स्किन फोल्ड्स स्ट्रेच मेनली अलोंग विद एलोंगेटेड फिंगर बट विंग ऑफ बर्ड आर फेदरी कवरिंग ऑल ओवर द आर्म. टू डिजाइन ऑफ द टू विंग्स देयर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोनेंट आर वेरी डिफरेंट. ये कह रहा है कि दोनों के जो विंग्स है उन दोनों में बहुत डिफरेंस हैगा. ठीक है, दे लुक सिमिलर, वो एक दूसरे जैसे दिखते हैं. बिकॉज दे हैव कॉमन यूज ऑफ फ्लाइंग, दोनों की जो पंख है वो उड़ने के काम आते हैं. बट देयर ओरिजिन आर नॉट सेम, और जो लेकिन जो बनने का तरीका है पंखों का वो सेम नहीं है. दिस मेक देम अनोलमस कैरेक्टर राधर देन होमोलोगस कैरेक्टर. ये अनोलमस कैरेक्टर कहलाएगा जिसमें आपके ओरिजिन एक जैसा नहीं है, बट वो दिख रहा है सिमिलर दिख रहा है, लेकिन होमोलोगस में ऐसा नहीं है, वो सिमिलर ही दिखता है. It would now be interesting to think about whether arm bird and bat bird should be considered as homologous or analogous. अभी देखिए, दूसरी चीज जो आती है इसमें, हम fossils के बारे में डील करेंगे. Fossils क्या होते हैं? आपके जो देखिए organ structures can be done not only on a current species but also स्पीशीज दैट आर नो लॉन्गर. ठीक है, फॉसिल्स वो जमीन के अंदर हमें मिलते हैं जो कि हमारे जितने भी जो एनिमल्स हैं वो अभी नहीं जिंदा है, स्पीशीज जिंदा नहीं है, तो उनके फॉसिल्स हमें जमीन में मिलते हैं. ठीक है, तो वो मर जाते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, फिर हमें जमीन से मिलते हैं वो, उनके डेड बॉडीज वगैरह या उनके स्केलेटन कह लो, उसे हम फॉसिल्स कहते हैं. ठीक है, ये आपका एग्जाम्पल है फॉसिल्स. फिश का है ये ऐसा दिखता है, वर्टिब्रेटा का ऐसा दिखता है, डायनासोर का देखिए ऐसे दिख रहा है, तब हमें पता चल रहा है अच्छा ऐसा कुछ उस टाइम पे हुआ है. देर आर टू कॉम्पोनेंट ऑफ दिस एस्टिमेशन. वन इज रिलेटिव. इफ वी टेक इन टू द अर्थ एंड स्टार्ट फाइंडिंग आउट फॉसिल, इट इज रीजनेबल टू सपोज दैट द फॉसिल वी फाइंड क्लोजर टू द सर्फेस आर मोर रीसेंट. देखिए, एक बहुत छोटी सी बात है, जो फॉसिल आपको जमीन की यहाँ ऊपर मिल रहा है, ऊपरी स्तह पर मिल रहा है, वो बहुत अभी हाल ही का होगा, मतलब ज्यादा सालों पुराना नहीं होगा, ज्यादा पुराना नहीं होगा. लेकिन आपको अगर जो यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो यहाँ आपके लिए आपको बहुत नीचे खोदना पड़ेगा. तो दूसरी बात यहाँ से ये समझ आती है कि ये बहुत गहरा है और बहुत साल पहले कहीं ये दबा होगा, मतलब बहुत पुराना है. ठीक है, तो जितना ज्यादा नीचे आपको फॉसिल मिलेगा उतना ज्यादा आपको समझ आ जाएगा कि वो बहुत पुराना है. ये देखिए लेयर्स,
ये कहीं यहाँ ये ऊपरी सतह पर है, ये फिर नीचे है, फिर ये और नीचे है, ये बिल्कुल नीचे है, ठीक है, इस तरीके से। देखिए इवोल्यूशन स्टेज बाय स्टेज कैसे हुआ वो देखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अ क्वेश्चन दैट अराइजेस हियर इज इफ कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गन सच एज आईज सेलेक्टेड फॉर द एडवांटेजेस एंड दे प्रोवाइड, हाउ दे कैन बी जनरेटेड बाय अ सिंगल डीएनए चेंज। ठीक है, ये कहने की कोशिश कर रहा है कि जो हमारे ऑर्गन है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन करते हैं, जैसे कि हमारी आंखें इतना मुश्किल काम करती हैं देखने का, कान हमारा इतना मुश्किल काम करते हैं सुनने का, इतना टफ काम ये कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स काम ये कर रहे हैं, तो क्या सिर्फ एक डीएनए के चेंज होने से ये पॉसिबल है कि भाई देखो पहले कुछ था उसके अंदर डीएनए चेंज हुआ और उसकी आंखें आ गई, मतलब इज इट पॉसिबल? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि जो इवोल्यूशन होगा वो हर स्टेज पर बारी बारी से टाइम के साथ होगा, ऐसे ही नहीं एक दिन में नहीं होगा, दो दिन में नहीं होगा, बिट बाय बिट, जेनरेशन बाय जेनरेशन होगा। इवन इंटरमीडिएट स्टेजेस सच एज रूडिमेंट्री आईज कैन बी यूजफुल टू सी सम डिस्टिंक्ट। देखिए अगर हम इस आई का एग्जाम्पल लें, जैसे हमारी ही आंखों का एग्जाम्पल लें हम, तो जो पहले जानवर हुए थे जिनकी आंखें नहीं थी, ठीक है, और दिस इज मान लो ये कोई आपका फर्स्ट जनरेशन है, मान लो इनके पास आंखें नहीं है, ठीक है, जब ये सेकंड जनरेशन में गए तो कुछ ऐसा चेंज हुआ कि इनके डॉट आ गए, ये डॉट, ये बस अपने आसपास थोड़ा थोड़ा देख पा रहे हैं, अपनी पूरी आंखें नहीं खोल पा रहे हैं। लेकिन जो ये आपकी सेकंड जनरेशन हो गई, फिर आती है आपकी थर्ड जनरेशन, इनके बच्चे, इनकी थोड़ी सी बड़ी आंखें हो गई और ये खोल पा रहे हैं अपनी आंखों को, थोड़ा सा दूर तक देख पा रहे हैं। फिर जो फोर्थ जनरेशन आई, ठीक है, वो उनकी आंखें और थोड़ी बड़ी हो गई, वो और दूर तक देखने देखने लग गई, और दूर तक देखने लग गई कि हाँ आसपास है क्या, ठीक है। और जो फिर से और जनरेशन आई, और जनरेशन आती गई, उनकी आंखें और अच्छी डेवलप होती गई, बड़ी होती गई, जो दूर का पास का सब हर जगह का देखने लग गई। तो ये क्या है? ये इवोल्यूशन है जो कि स्टेज बाय स्टेज हुआ, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक साथ हो गया है, एक बारी में ही हो गया है। तो स्ट्रक्चर ऑफ एन आई इन ईच ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट एंड एनफ फॉर देम टू हैव अ सेपरेट इवोल्यूशनरी ओरिजिन। चेंज दिस इज यूजफुल फॉर वन प्रॉपर्टी टू स्टार्ट विद एंड कैन बिकम यूजफुल लेटर। जैसे कि आपके फेदर्स की बात करें, वन कैन स्टार्ट आउट प्रोवाइडिंग इंसुलेशन इन कोल्ड। ये जो फेदर है, मतलब जो पर है, ये क्या है, ठंड से बचने के लिए काम आ रहे हैं, एंड दे माइट यूजफुल, ये उड़ने के भी काम आ सकते हैं। इन फैक्ट सम डायनासोर्स हैड फीदर, और ऐसा माना जाता है कि कुछ डायनासोर्स के पंख हुआ करते थे, ऑल दो दे कुड नॉट फ्लाई, लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। बर्ड सीम्स टू हैव लेटर अडेप्टेड द फीदर टू फ्लाइट। और ये ऐसा भी माना जाता है कि जो आपके बर्ड्स हैं उनको जो पंख मिले हैं वो बाद में मिले हैं उड़ने के लिए, ठीक है। तो ये समझ आता है कि जो आपके रेप्टाइल्स, जो जमीन पे रेंगने वाले जानवर हैं, ठीक है, या सांप है आपके, ये सब है, सांप हो गए आपका, स्नेक वगैरह, लिजर्ड, ये सब जितने भी हैं जो जमीन पे रेंगते हैं, और जो बर्ड्स हैं, दोनों बहुत आपस में क्लोजली रिलेटेड हैं। क्योंकि ये हमें ये पता चला है फॉसिल्स से कि ये जो बर्ड्स हैं इनके पहले पंख नहीं हुआ करते थे, बाद में आए हैं इनके पंख, ठीक है, बाद में आए हैं इनके पंख। तो इससे हमें यही पता चलता है कि ये दोनों आपस में क्लोजली रिलेटेड है, राइट। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें पता चलती है इस चीज से। दूसरा, द वाइल्ड कैबेज प्लांट इज गुड एग्जाम्पल। ह्यूमन हैव ओवर मोर देन 2000 ईयर कल्टिवेटेड एंड कैबेज एज अ फूड प्लांट एंड जनरेटेड डिफरेंट वेजिटेबल फ्रॉम इट्स बाय सिलेक्शन। ऑफ कोर्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन रादर देन नेचुरल सिलेक्शन। सम फार्दर फार्मर हैव वांटेड टू सेलेक्ट वेरी शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन लीव्स एंड हैव ब्रेड कैबेज वी ईट। ये एग्जाम्पल दे रखा है बस कैबेज का और कॉलीफ्लावर का, ठीक है, कि वो कैसे डेवलप होता है बाय द टाइम। ये देखिए आपका ये वाइल्ड कैबेज है, जिस एनवायरमेंट में जो जैसा रहेगा वो वैसा डेवलप हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि देखिए ये आपकी कोलाबरी जो है ये कहीं और किसी रीजन में रहती है, तो ये ऐसी है सारी की सारी कैबेज ही, बट देखिए जहां जिस कंडीशन में वो उग रही है वो उसी जैसा वातावरण अपने अडाप्ट करेगी और उसी जैसे ही बनेगी, मतलब डिफरेंट कैरेक्टर की बनेगी। जैसे कि ये गोभी है, ये फूल, इसके अंदर फूल और पत्ता दोनों भी है, लेकिन ब्रोकली उससे थोड़ी सी डिफरेंट है, पूरी की पूरी ग्रीन है। तो ये कहीं और उग रही है, ये कहीं और उग रही है, तो वहां का वातावरण जैसा है ये उसके हिसाब से बन रही है। सारी की सारी कैबेज है लेकिन देखने में अलग अलग है, ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप डिपेंड ऑन द ओरिजिनल आइडिया, राइट, एंड दिस आइडिया
was that changes in the DNA develop during reproduction and are basic event in the evolution. In that case, then comparing DNA of the different species should give us a direct estimate how much DNA has been changed during the formation of these species, and this method is extensively used to define evolutionary relationship. ये धीरे धीरे होता है, step by step होता है, एकदम से नहीं होता. मैंने आपको अभी भी समझाया, तो अगर आपको I hope clear हो गया होगा. ये था हमारा topic, और उसके बाद ये जो आता है हमारा evolution should not be equate with progress. देखिए, जो आपका evolution है वो आपका equate नहीं हो सकता किसके साथ, progress के साथ. कैसे वो बताते हैं, देखिए. In an exercise of tracing the family tree of the species, we need to remember certain things. ठीक है, जब हम family tree बनाते हैं तो हमें कुछ चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. पहली कि multiple branches are possible at each and every stage of the process. ठीक है, दूसरा, so it is not as if one species is eliminated give rise to the new one. और अगर उसमें से कोई भी एक हट जाती है तो वहां दूसरा पैदा होने का चांस होता है, और उसी को बोलते हैं अ न्यू स्पीशीज हैज इमर्ज्ड. ठीक है, जैसे कि बैटल का मैंने ऊपर एग्जांपल दिया था आपको, वहां रेड वाली पूरी खा गई थी तो पूरी ग्रीन हो गई थी ना. ठीक है, तो वो जो स्पीच, मान लो कोई भी जगह खाली हो गई है तो वो भरेगी. डेफिनेटली ये नेचर का रूल है. ठीक है, कि पुराने वाली को हटा के नई चीज आएगी वेरिएशन के साथ, बेटर वर्जन के साथ. ठीक है, जैसे कि हम लोग चिंपैंजी से इवॉल्व हुए हैं, ऐसा कहते हैं, ह्यूमन बीइंग हैव इवॉल्व फ्रॉम चिंपैंजी, लेकिन हम चिंपैंजी से फार मोर बेटर है ना. तो ह्यूमन बीइंग और चिंपैंजी के कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं एक टाइम पे, मानते हैं कि हमारे और चिंपैंजी के कॉमन एंसेस्टर्स रहे हैं, लेकिन हम जो है आज स्टेज पे है, हमारे पास एक बहुत ही अच्छा दिमाग है. ठीक है, हम अपने काम बहुत इफिशियंटली कर पाते हैं. तो इससे ये समझ आता है कि हम बहुत ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं और कहीं ना कहीं चिंपैंजी इवॉल्व नहीं हो पाए, दैट इज वाई. तो दो रिजल्टेंट ये आए, प्रोबेबली इवॉल्व इन देयर ओन सेपरेट वे, और हम जो ह्यूमन और चिंपैंजी जो है वो दोनों अलग अलग एनवायरमेंट में रहे और अलग अलग तरीके से इवॉल्व हुए, इसीलिए दोनों में इतना डिफरेंस है. तो इसमें कोई रियल प्रोग्रेस नहीं है, इसे सिर्फ इवोल्यूशन ही कहा जाएगा. इवोल्यूशन सिंपली जनरेशन है डाइवर्सिटी का और शेपिंग ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ एनवायरमेंटल सेक्शन, राइट. ओनली प्रोग्रेसिव ट्रेंड द इवोल्यूशन सीम्स मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स बॉडी. देखिए, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रहा है ना बॉडी के अंदर, वैसे वैसे चीजें कॉम्प्लेक्स होती जा रही है. ये बात ध्यान रखिए, जैसे जैसे इवोल्यूशन बढ़ेगा उतना ज्यादा आपकी बॉडी कॉम्प्लेक्स होती जाएगी, बॉडी डिजाइन कॉम्प्लेक्स होता जाएगा. ठीक है, और इफिशियंटली वर्क करेगी. ठीक है, इन फैक्ट वन ऑफ द सिंपलेस्ट लाइफ फॉर्म इज बैक्टीरिया, इनहेबिट द मोस्ट इनहॉस्टेबल हैबिटेट लाइक हॉट स्प्रिंग, डीप सी, thermal vent and ice in Antarctica. And in other word, human beings are not the pinnacle of the evolution, but simply yet another species in the teeming spectrum of the evolution. आपको मैं बहुत, चलो एक बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल देती हूँ, कोरोना वायरस. ठीक है, कोरोना वायरस का मैं अगर एग्जाम्पल दू, आया सबके ऊपर पहला ना, वो सारे की सारे लोगों के ऊपर पहला, पूरे इन्वायरमेंट में हवा में हो गया, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा अफेक्ट किया और कुछ लोगों की डेथ भी हो गई. क्यों? क्योंकि वो अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाई, वो स्पीशीज अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाई, दैट इज वाई वो एक्सटेंट हो गए एनवायरमेंट से. ठीक है, लेकिन जो सरवाइव कर पाए आज भी वो कोरोना के साथ रह रहे हैं. ठीक है, आज भी वो कोरोना के साथ रह रहे हैं, जी रहे हैं ना. तो कोरोना तो नहीं खत्म हुआ और वो खत्म भी नहीं होगा अब, लेकिन हम क्या है, हम जीना सीख गए हैं. तो हमारी बॉडी क्या है, इवॉल्व हो चुकी है अगेंस्ट कोरोना वायरस. तो इसी को ही कहते हैं हम ह्यूमन एवोल्यूशन. सेम टूल होता है, ठीक है, जिसमें इवोल्यूशन होता है. ठीक है, और फॉसिल फ्यूल्स की मदद से हम जान पाते हैं कि हम हमारे अंदर इवोल्यूशन कैसे हुआ है बहुत लंबे समय से, जैसे कि हमारे स्किन का कलर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमारे अंदर बहुत डाइवर्सिटी है. ठीक है, कहीं जाओगे कहीं के कलर, लोगों का कलर कैसा मिलेगा, कहीं जाओगे कहीं के लोगों का कलर ऐसा मिलेगा. बट सी, बायोलॉजिकल बेसिस की अगर हम बात करें तो ऑल ह्यूमन जो है वो सिंगल स्पीशीज है, और रिगार्डलेस ऑफ वेयर वी हैव लिव्ड द पास्ट फ्यू ईयर अगो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले हम क्या रहते थे हमारा, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल जो है, फुटप्रिंट्स जो है वो अफ्रीका से आए हैं. ठीक है, ऐसा माना जाता है हम लोग अफ्रीका से आए हैं, इंडिया के अंदर बस गए हैं. तो कपल ऑफ 100,000 ईयर अगो सम ऑफ आवर एंसेस्टर लेफ्ट अफ्रीका व्हाइल अदर स्टेड ऑन. ठीक है, तो कुछ ऐसा हुआ कि जो अफ्रीका से, मान लो हम लोग अफ्रीका से आए हैं, ठीक है,
तो हम इधर आ गए, हमारे इधर जो है वो सनलाइट उतनी ज्यादा का मतलब इशू नहीं होता, इसीलिए हमारे यहाँ के लोग थोड़े से क्या है, गेहुआ, ब्राउन कलर, ब्राउन फेस है, मतलब थोड़ा ऐसा डार्क कलर है, क्योंकि हमारे यहाँ सनलाइट बहुत ज्यादा आती है। अफ्रीका के लोगों की कुछ वहीं रह गए, तो वो वहां जैसी कंडीशन है वहां जैसे ही बोल बोल, समझ आ रही है ना बात में क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये यही चीज बता रहा है कि दे हैड कम इनटू बीइंग एन एक्सीडेंट ऑफ द रिवॉल्यूशन एंड वर ट्राइंग टू लिव देयर बेस्ट एट दे गुड। ठीक है, हर कोई जो है वो अपने जिंदगी जीने का कोशिश कर रहा है विद वेरिएशंस एंड विदाउट वेरिएशंस। तो ये है थी आपकी पूरी डाइवर्सिटी, ये आपका पूरा चैप्टर यहाँ खत्म हो चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे एनसीईआरटी की तरफ, एनसीईआरटी देखते हैं क्या कहती है। क्वेश्चन नंबर 1, इफ अ ट्रेड ए एक्सिस्ट इन 10% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द ए सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पीशीज एंड ट्रेड बी एक्सिस्ट इन 60% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, व्हिच ट्रेड इज लाइकली टू हैव अराइज अर्लियर, कौन सी जो ट्रेड है वो जल्दी इवॉल्व होगी, आपको ये बताना है। ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो प्रोड्यूसिंग सेल है वो कॉपी करेंगे डीएनए को केमिकल रिएक्शन के थ्रू, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, उसमें कुछ वेरिएशन आएगा और इसी की वजह से क्या होगा कि जो आपका ट्रेड है 10% प्रेजेंट होगा पॉपुलेशन के अंदर एंड मोर लाइकली ट्रेड आर अराइजन रिसेंटली। ठीक है, एंड इट कैन कंक्लूडेड दैट ट्रेड बी दैट एग्जिस्ट इन 60% ऑफ द पॉपुलेशन हैज अराइजन अर्लियर देन ई। राइट, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द क्रिएशन ऑफ द वेरिएशन इन स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल, कैसे वेरिएशन होने के कारण सर्वाइवल होता है। मैंने आपको पहले ही बताया जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है, जो एनवायरनमेंट के ड्रास्टिक चेंजेस कंडीशन में रह रहा है वो अडेप्ट कर लेता है उस चीज को। ठीक है, अगर टेम्परेचर मान लो पानी का इंक्रीज हो गया सडनली तो बैक्टीरिया मर जाएंगे, लेकिन जो रह पाएंगे, जो झेल पाएंगे उस चीज को, जिनके अंदर वेरिएशन होगी थोड़ी बहुत भी, वो सर्वाइव कर जाएंगे। अंडरस्टूड, ये मेंडल का पूरा एक्सपेरिमेंट आपको एक्सप्लेन करना है इसके अंदर, ये टॉल प्लांट का, शॉर्ट प्लांट का क्या का केस बना था, अभी हम ऊपर एक्सप्लेन करके आए, क्रॉस पॉलिनेशन हमने कराया, देन सेल्फ पॉलिनेशन कराया हमें। ठीक है, ये पूरा आपको सेल्फ पॉलिनेशन क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है, हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेड आर इनहेरिटेडली इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली, जो ये क्यों कहता है कि जो हम ट्रेड इनहेरिट करते हैं वो इंडिपेंडेंटली करते हैं, मतलब आती है बस, वो किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो ऐसा क्या है कि जो उन्होंने पी का, मटर के दाने का जो हमें बताया था एग्जाम्पल लेके, जिसके अंदर राउंड और ग्रीन सीड थी विद पी प्लांट हैविंग रिंकल एंड येलो सीड, ये देखिए ये वाला एग्जाम्पल था, इसमें उन्होंने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया है कि जो रेशियो बन रहा है वो ये रेशियो बन रहा है आपका, ये येलो राउंड सीड का, ग्रीन राउंड सीड का, येलो रिंकल सीड का एंड ग्रीन रिंकल सीड का, ये रेशियो बन रहा है इसी वजह से, ये देखिए ये पूरा इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ द टू डिफरेंट ट्रेड इन अबव मोर देन टू फैक्टर आर इन्वॉल्व एंड दीज आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। अंडरस्टूड, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, अ मैन विद ग्रुप ब्लड ग्रुप ए मैरीज अ वुमेन विद ब्लड ग्रुप ओ, ओके, एंड देयर डॉटर, उनकी जो बेटी है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो ओ है, इज दिस इन्फॉर्मेशन एनफ टू टेल व्हिच ऑफ द ट्रेड ब्लड ग्रुप ए और ओ इज डोमिनेंट। ऑफकोर्स ओ डोमिनेंट हुआ ना गर्ल के अंदर, तो ठीक है, हाउ इज द सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बॉडी, मैंने आपको बताया था जब एक्स और एक्स आएगा तो वो आपका क्या बनाएगा, फीमेल बनाएगा, ये दिस केस आपका डॉटर बनाएगा। देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच इंडिविजुअल विद पर्टिकुलर ट्रेड में इंक्रीज इन पॉपुलेशन, कैसे, एक तो नेचुरल सिलेक्शन से, जेनेटिक ड्रिफ्ट से, और वेन द ट्रेड गेट एक्वायर्ड ड्यूरिंग द इंडिविजुअल लाइफ टाइम, ये हो सकता है आपका। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, व्हाई आर ट्रेड्स एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल नॉट इनहेरिटेड, जो लाइफ टाइम ट्रेड्स होती हैं वो एक्वायर की जाती हैं ना कि इनहेरिट, ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए ये जो ट्रेड एक्वायर्ड ट्रेड होती हैं वो रिप्रोडक्टिव नहीं होती हैं, हम अपने जर्म सेल से नहीं लेते हैं, हम सीखते हैं इनको, ठीक है, इसीलिए वो इनहेरिटेड नहीं होती है। व्हाई आर द स्मॉल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टाइगर्स कैन कॉज वरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जेनेटिक, अगर बहुत कम टाइगर जिएंगे तो वो क्या है, क्या उनके अंदर दिक्कत आएगा कि उनके अंदर वेरिएशन बहुत कम होगा, जैसे ही जहां वेरिएशन कम आया वहां उनके जिंदा रहने के चांसेस क्या हो जाएंगे, बहुत कम होंगे, क्योंकि वेरिएशन बहुत जरूरी है किसी भी प्रजाति को जिंदा रखने के लिए।
ठीक है, व्हाट फैक्टर कुड लीड टू द राइज इन न्यू स्पीशीज, कौन से फैक्टर से नई स्पीशीज होगी? अभी मैंने आपको पीछे बताया नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, एक्वायरिंग ट्रीज। विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अ मेजर फैक्टर इन स्पेसिफिक स्पेशिएशन ऑफ द सेल्फ पॉलिनेशन पॉलिनेटिंग स्पीशीज, व्हाई एंड और व्हाई नॉट? ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कैन प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम डिफरेंट प्लांट। देखिए, अगर आप सेपरेट कर देंगे ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से, आइसोलेशन कर देंगे, तो आपका जो पॉलन है वो दूसरे पौधे पर नहीं जा पाएगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन तो होगा ही होगा ना। ठीक है, तो क्या होगा कि जो पॉलन है वो ट्रांसफर होगा एंथर पे, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा होगा ही होगा, सेम फ्लावर पे होगा लेकिन। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो प्रिवेंट नहीं करती स्पेसिएशन, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थर्ड कह रहा है विल ज्योग्राफिकल आइसोलेशन बी अमेजर, ये दिस इज द सेम आंसर आई, यस ओके। मेजर फैक्टर इन स्पेसिएशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एसेक्सुअली, अगर आप ज्योग्राफिकल आइसोलेशन करेंगे उनका जहां पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, तो क्या बेनिफिशियल होगा ये? देखिए, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन प्रिवेंट करेगा आपका फ्लो बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीशीज, वेयर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व वन, एसेक्सुअल में तो ऑलरेडी वन इंडिविजुअल ही होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन आपका ऑटोमेटिक होगा ही नहीं, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी करेगा वो, लेकिन थोड़ा बहुत वेरिएशन होगा, एक्यूरेट नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए ज्योग्राफिकल आइसोलेशन प्रिवेंट नहीं करेगा फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, राइट? क्वेश्चन नंबर वन देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन हाउ क्लोज टू स्पीशीज आर इन इवोल्यूशनरी टर्म, कैसे दो आप जो स्पीशीज है वो आपस में जुड़ी हुई है। अगर हम पंखों की बात करें, डायनासोर के भी है, बर्ड्स के भी है, जो इंडिकेट करता है कि वो आपस में कहीं ना कहीं लिंक है। डायनासोर के पास फीलर थे बट वो उड़ते नहीं थे, ठीक है, और उनको गर्म मतलब उनको गर्मी देने के काम आते थे, ठीक है, लेकिन जो बर्ड के फेदर है वो तो यूज किए जाते हैं, ठीक है, और ये भी प्रूव करता है कि रेप्टाइल एंड बर्ड्स भी क्लोजली रिलेटेड है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ विंग्स स्टार्टेड इन रेप्टाइल्स, राइट? क्योंकि जो आपका डायनासोर था वो तो आपका एक रेप्टाइल ही था ना। फाइंड आउट फ्रॉम द टेबल मीडियम हैविंग हाईएस्ट ऑप्टिकल डेंसिटी, एक सेकेंड, आप ये इट्स जनरल क्वेश्चन, आपको ऑप्टिकल डेंसिटी बतानी है तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है, ये आपका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है। ऑप्टिकल हाईएस्ट किसकी है? आपकी डायमंड की है, लोएस्ट आपकी एयर की है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फॉसिल क्या है जो कि हमें जमीन के अंदर से मिलते हैं, क्या बताते हैं इवोल्यूशन के बारे में? जितना रिसेंट फॉसिल होगा वो हमें बताएगा कि अभी रिसेंट टाइम का है, कुछ साल पहले का है। व्हाई आर ह्यूमन बीइंग हु लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर इन टर्म साइज एंड कलर बिलोंग टू सेम स्पीशीज, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वेरिएशन है, क्या है ये? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इंटरब्रीडिंग हो रही है, तो उसमें स्किन लुक कलर साइज चेंज होगा, वेराइटी आएगी ही आएगी, क्योंकि उसके अंदर जो क्या हो रहा है, वेरिएशन आ रहा है, ठीक है। नो बायोलॉजिकल बेसिस दैट कॉन्सेप्ट ऑफ द रेसेस एंड ऑल ह्यूमन बीइंग हैव अ सिंगल स्पीशीज एंड ह्यूमन ऑफ द डिफरेंट कलर, क्योंकि कैपेबल ऑफ द प्रोडक्शन कैन प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। इवोल्यूशनरी टर्म, कैन वी से विच अमंग बैक्टीरिया, स्पाइडर, फिश, चिंपैंजी हैव अ बेटर बॉडी डिजाइन, क्या हम बता सकते हैं इनमें से किसका बॉडी डिजाइन है? एवोल्यूशन कांट ऑलवेज बी इक्वेटेड विद प्रोग्रेस, ये हम अभी बात करके आए हैं कि इक्वेशन इवोल्यूशन को आप इक्वेट नहीं कर सकते, बराबर नहीं रख सकते किसके साथ? प्रोग्रेस के साथ। देखिये, इवोल्यूशन सिंपली क्रिएट करता है और कॉम्प्लेक्स बॉडी को, उसका मतलब ये नहीं है कि सिंपल बॉडी डिजाइन इनइफिशियंट है। बैक्टीरिया का कुछ सिंपल बॉडी डिजाइन हैगा, बट वो पाया जाता है अर्थ के ऊपर, ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो दे कैन सर्वाइव हॉट स्प्रिंग, डीप सी एंड इवन फ्रीजिंग टेम्परेट एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में वो रहेंगे उन्हें वैसी ही आदत पड़ेगी और वैसे ही वो सर्वाइव कर पाएंगे। देखिए, मेंडेलन का एक्सपेरिमेंट जो था, ब्रीडिंग कराई थी उसने, कौन सा वाला डोरमिनेंट हुआ था वो बताना है, ये वाला हुआ था, देन आपका पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। देखिए, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहे हैं, एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन, ये आपका बी वाला है, टीथ एंड
एलिमेंट खास। उसके बाद आपका अ स्टडी ऑफ द चिल्ड्रन विद लाइट कलर्ड आईज आर लाइकली टू हैव पेरेंट विद लाइट कलर आईज ऑन द बेसिस वी कैन से एनीथिंग अबाउट वेदर द लाइट आई कलर ट्रेड आर डोमिनेंट एंड रिसेसिव। आपको देखिए दो पेरेंट है, एक आई विद लाइट कलर, ठीक है, चिल्ड्रन की लाइट कलर आईज हो रही हैं, तो क्या कह रहा है, देखो लाइट कलर से लाइट कलर हुआ डोमिनेंट, चिल्ड्रन विद लाइट कलर आई हैव सेकंड जीनोटाइप एंड देयर पेरेंट विल आल्सो हैव सेकंड जीनोटाइप। जब इस सेकंड सेकंड को क्रॉस कराया गया तो आपको सेकंड ही मिला। इट कांट बी कंडक्टेड कंक्लूडेड वेदर लाइट आई कलर इज डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये नहीं बता सकते आप कि वो डोमिनेंट हुआ या नहीं हुआ। हाउ आर द स्टडी ऑफ द एरिया ऑफ द स्टडी इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन इंटरलिंक्ड। कैसे आप कह सकते हैं कि इवोल्यूशन और क्लासिफिकेशन आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? देखिए, इस क्लासिफिकेशन इन्वॉल्व करता है आपका ग्रुपिज्म ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और उसमें सिमिलैरिटी के बेसिस पे दो स्पीशीज आपस में इंटर क्लोजली रिलेटेड है क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, इसी वजह से हम उसे क्या करते हैं ऐसे मानते हैं कि क्लोजली रिलेटेड है और उनके रीसेंट एंसेस्टर रहे हैं। ये आपका एग्जाम्पल है, जैसे आपके भाई और बहन वाला एग्जाम्पल मैंने आपको ऊपर बताया है। एक्सप्लेन करना है एनालॉगस एंड होमोलॉगस को। एनालॉगस आपका देखिए क्या है, हैव डिफरेंट ओरिजिन बट परफॉर्म सेम फंक्शन, ये आपका एनालॉगस है, ठीक है। और होमोलॉगस आपका क्या है, इसका ओरिजिन सेम है लेकिन ये देखिए सिमिलर ओरिजिन बट फंक्शन आर डिफरेंट, राइट। तो आपको दोनों क्लियर हो गया होगा। ये आपका पूरा का पूरा ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपको क्या करना है, एम टू फाइंड आउट द डोमिनेंट कोट, डोमिनेंट जो होगा वो बताना है आपने। ये देखिए, ठीक है, डॉग हैव अ वैरायटी ऑफ जीन दैट गन कोट कलर एंड दे हैव एटलीस्ट 11 आइडेंटिफाइड जीन सीरीज इस तरीके से, एंड द इन्फ्लुएंस्ड कोट कलर इज डॉग एंड डॉग इनहेरिट वन जीन फ्रॉम ईच पेरेंट, राइट। एक जीन इनहेरिट करेगा वो पेरेंट से एंड द डोमिनेंट जीन गेट एक्सप्रेस्ड इन द फिनोटाइप, उसे हम फिनोटाइप में रखेंगे। जैसे कि एग्जांपल बी सीरीज एंड डॉग कैन जेनेटिकली ब्लैक और ब्राउन, लेट अस अज्यूम, इस तरीके से कुछ अज्यूम कर लेते हैं। इन केस ऑल ऑफस्प्रिंग विद हेटेरोजाइगस, जैसे कि आप बी भी रखेंगे, सिंस ब्लैक मतलब बी जो डोमिनेंट हैगा एंड द ऑफस्प्रिंग विल बी ब्लैक, दे विल हैव बोथ बी एंड बी एलेल्स। इन सच हेटेरोजाइगस पप्स आर क्रॉस्ड एंड दे विल प्रोड्यूस 25% ऑफ होमोजाइगस BB and 50% heterozygous black BB and 25% homozygous brown BB offspring। तो ये आपकी possibilities हैं जितनी भी ये बता रहा है, ठीक है। Explain करना है important of fossils deciding the evolutionary। मैंने आपको बताया कि आप जितना नीचे जाते जाएंगे उतना पुराना आपको fossil मिलता जाएगा, तो इसीलिए directly linked है आपके evolutionary relationship से कि जितना ज्यादा नीचे हम dig करेंगे और fossil निकालेंगे उतना पुराना वो होगा, right? ये आपको पूरा डायग्राम दे रखा है। एविडेंस टू बी हैव द ओरिजिन ऑफ लाइफ फ्रॉम इनमेडिएट मैटर आपको बताना है। ये आपके जेबीएस हल्डन साइंटिस्ट हुए, इन्होंने सजेस्ट किया कि इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से आपकी लाइफ जो है वो ओरिजिनेट हुई है अर्थ के ऊपर, जैसे कि आपका H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन एंड अमोनिया की हेल्प से, एंड फॉर्मेशन इसकी वजह से आपको वाटर फॉर्मेशन हुआ, एनर्जी फॉर्मेशन हुई, रिएक्ट हुआ एंड आपका लाइफ जो है वो पॉसिबल हुआ। एक्सप्लेन हाउ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज टू मोर वैल्यूएबल वेरिएशन देन एसेक्शुअल। हाउ डज द अफेक्ट द इवोल्यूशन ऑफ दोज ऑर्गेनिज्म दैट प्रोड्यूस सेक्शुअली, ऐसा क्यों होता है? देखिए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो इंडिविजुअल जो है उनके अंदर क्या वेरिएशन होती है, वो कंबाइन होते हैं, एक नया इंडिविजुअल देते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन होती है, वेर एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन कम होती है, ठीक है। वो एग्जैक्ट कॉपी करेगा डीएनए को लेकिन एक्यूरेट नहीं होगा। एडिशनली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो अलाउ करेगा वेरी लेस वेरिएशन को, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज्यादा वेरिएशन आएगा और रिजल्टेंट में क्या होगा, आपका जो डीएनए है वो सर्वाइव कर पाएगा, जो भी नया ऑफस्प्रिंग होगा वो सर्वाइव कर पाएगा क्योंकि उसके अंदर वेरिएशन ज्यादा है। हाउ इज द इक्वल एंड जेनेटिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द मेल एंड फीमेल पेरेंट इन शॉर्ट प्रोजेनी, ये आपको बताना है कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है मेल एंड फीमेल इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं प्रोजेनी में, कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे वो। जैसे कि आपको ये पता है कि सोमेटिक सेल्स 23 होते हैं और जो 23वां पैर होता है वो क्रोमोसोम का होता है,
ठीक है, 22 पेयर ऑटोसोम होते हैं एंड जो 23वां है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें एक्स एंड वाई होते हैं आपका। फीमेल के पास 2 एक्स होते हैं, मेल के पास एक एक्स एंड एक वाई होता है। जब एक्स एंड एक्स आपका कंबाइन होगा तो यू विल बी गेटिंग अ फीमेल, और एक्स एंड वाई जब कंबाइन होगा तो आपका बॉय या एक मेल होगा। ठीक है, तो यही यहाँ से क्लियर हो जाता है। ये देखिए, ये पूरा चार्ट आपका एक्स एक्स होगा तो आपका फीमेल एंड एक्स वाई आपका मेल। ओनली वेरिएशन दैट कॉन्फर एन एडवांटेज टू द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विल सर्वाइव इन द पॉपुलेशन। डू यू अग्री विद दिस स्टेटमेंट? यस, वेरिएशन होगा तो वो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि इंडिविजुअल सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि जो आपका वेरिएशन है वो ऑफर करता है सर्वाइवल को। ठीक है, सर्वाइवल को करता है। नेचुरली सिलेक्टेड एंड इंडिविजुअल एडजस्ट देयर एनवायरमेंट विद द हेल्प ऑफ दीज सिलेक्टेड वेरिएशन। ठीक है, एंड इसी प्रोसेस की वजह से जो एवोल्यूशन है वो चलता रहता है, डे टाइम टू टाइम चलता रहता है, डे बाय डे। एंड जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है वो प्रोवाइड करता है आपके डाइवर्सिटी को विदाउट एनी सर्वाइवल एडवांटेज। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, विद एनसीईआरटी हमने इसे कवर किया है। ठीक है, तो ये दोनों ही पार्ट हमारे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इस चैप्टर का आपका अपलोड हो चुका है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। अपना फीडबैक जरूर देके जाएं, लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।